हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रायबरेली ब्लॉगर। मैं आप सबका दोस्त, इस चैनल को होस्ट। इस वीडियो में मैं आज आप सभी को रायबरेली जिले के जगतपुर कस्बे के बारे में बताऊंगा तथा जगतपुर से जुड़ी कुछ खास जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। आप सब वीडियो में बने रहें। अभी हम स्थित हैं जगतपुर डलमऊ हाईवे के बीच पर, जो कि यह स्थान जगतपुर से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान को लशनपुर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, रेलवे क्रॉसिंग है, इसको लशनपुर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। यहां से आप सभी को प्रयागराज और लखनऊ जाने के लिए ट्रेनें मिल जाएंगी, जैसा कि आप सब सामने देख सकते हैं। आप सभी को बता दें, हम अभी आ चुके हैं जगतपुर के क्षेत्र में। यहाँ से जगतपुर की सीमा स्टार्ट हो जाती है। अब हम जगतपुर के क्षेत्र में हैं। आप सभी को बता दें, यह क्षेत्र 183 विधानसभा ऊंचाहार का क्षेत्र है। यहाँ के विधायक माननीय श्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। और आप सभी को बता दूं, मनोज पांडे विधायक जो हैं, लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं ऊंचाहार विधानसभा से। जगतपुर डलमऊ हाईवे पर आप सभी को बैंक ऑफ बड़ौदा देखने को मिल जाएगा, जो कि इस रोड पर एकमात्र बैंक है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, 2011 की जनगणना के अनुसार जगतपुर में टोटल परिवारों की संख्या 1336 है तथा टोटल यहां की जनसंख्या 7367 है। उसमें पुरुषों की संख्या 3745 है तथा महिलाओं की संख्या 3522 है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अभी हम आ चुके हैं टीवीएस शोरूम के पास। इसी रोड पर आप सभी को एक विशाल बाइक का शोरूम मिल जाएगा, जो कि टीवीएस कंपनी का है, जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं। तथा आप सभी को आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां के जिला पंचायत सदस्य राकेश सिंह राणा है, जो कि कांग्रेस समर्थित पार्टी से हैं, जो कि अभी जल्द चुने गए हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम आ चुके हैं जगतपुर चौराहे के पास। यह जगतपुर का मेन चौराहा है। अभी हम जगतपुर चौराहा क्रॉस करके सलन रोड पर आ चुके हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी मार्केट है। इसी रोड पर आप सभी को फैमिली शोरूम मिल जाएगा, जो कि आदर्श फैमिली शोरूम है, तथा फैंसी गार्ड में मिल जाएंगी, मंटू वस्त्रालय मिल जाएंगे, जो कि कपड़े के लिए काफ़ी फेमस दुकानें हैं। इसी रोड पर आप सभी को सूज की दुकानें भी मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें हैं।